नमस्कार, एएनएन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिता। एक तरफ जहां आलाकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा सुलझा नहीं पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों नेता आपसी बयानबाजी भी नहीं रोक रहे। सचिन पायलट जिनके पेपर कैंसिल हुए उनके लिए मुआवजा मांग रहे हैं, तो अशोक गहलोत सचिन पायलट को कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि का दिवालिया निकल गया है, पूरी राजस्थान कांग्रेस अधर में लटकी हुई है, ना कोई होर्डिंग लगा रहा है, ना कोई पोस्टर, ना कोई गाँव में जाकर जनसंपर्क कर रहा है और ना ही कोई चुनाव प्रचार कर पा रहा है। कमोबेश यही स्थिति भाजपा की बनी हुई है। मरुधरा की वसुंधरा मरुधरा को छोड़ने को तैयार नहीं और भाजपा उनको मरुधरा देने वाली नहीं है। पर नेताओं की आपसी रार की वजह से चुनाव तो रुकेंगे नहीं, चुनाव का तो समय निश्चित है, जो दिसंबर में होने हैं तो होने हैं। इसलिए ईएनएन भारत दिबंग मीडिया के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आया है एक खास सीरीज, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का सर्वेक्षण। बता दें कि हम लगभग 125 विधानसभाओं का वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 सर्वेक्षण में जाकर अपनी विधानसभा या जिस भी विधानसभा की जानकारी आपको चाहिए उसका नाम डालकर उसका पूरा वीडियो वहां से देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट या यूं कहें कि जादूगर की जादू नगरी की रिपोर्ट। जादूगर से आप समझ ही गए होंगे कि मैं अशोक गहलोत की बात कर रही हूं और उनकी विधानसभा है सरदारपुरा। पहले हम आपको सरदारपुरा विधानसभा में अभी के परिदृश्य में कांग्रेस और बीजेपी को कितना समर्थन मिल रहा है वो दिखा रहे हैं। कांग्रेस को 62.22% और बीजेपी को 34.81% जनता का समर्थन प्राप्त है। सरदारपुरा विधानसभा में कांग्रेस से वर्तमान विधायक अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, एक्चुअली आगे नहीं बहुत आगे चल रहे हैं, क्योंकि यहां बीजेपी और कांग्रेस को मिले जन समर्थन में काफ़ी अंतर है। वैसे तो आपको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ कि अशोक गहलोत अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अब गाँव के अनुसार स्थिति देखिए, सरदारपुरा विधानसभा में A+ ग्रेड वाले यानी सेफ जोन में बीजेपी का एक गांव है, कांग्रेस के 7 गांव हैं, अन्य के 0 गांव हैं। ए ग्रेड यानी विनिंग पोजीशन में बीजेपी के 5 गांव हैं, कांग्रेस के 12 गांव हैं, अन्य के 0 गांव हैं। बी ग्रेड यानी फाइटिंग में बीजेपी के 22 गांव हैं, कांग्रेस के 21 गांव हैं, अन्य का 1 गांव है। सी ग्रेड यानी लूजिंग में बीजेपी के 12 गांव हैं, कांग्रेस के 6 गांव हैं, अन्य के 0 गांव हैं। डी ग्रेड यानी डेंजर जोन में बीजेपी के 7 गांव हैं, कांग्रेस का 1 गांव है, अन्य के 46 गांव। अब मैं आपको उन लोगों के नाम बता रही हूं जो इस बार सरदारपुरा विधानसभा से टिकट लेने का ट्राई कर रहे हैं। बीजेपी से शंभू सिंह और कांग्रेस से अशोक गहलोत का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। हम मई में फिर से राजस्थान का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसके सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला सवाल, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? दूसरा सवाल, आपका अगला विधायक कौन होना चाहिए? तीसरा सवाल, आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? चौथा सवाल, अगर आपके पसंदीदा उम्मीदवार की मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कम हो या ना के बराबर हो, तो क्या उस स्थिति में भी आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? पांचवा सवाल, अगर विधायक उम्मीदवार आपकी पसंद का ना हो तो क्या आप अपनी पसंदीदा पार्टी को ही वोट देंगे? इन सभी सवालों के जवाब की रिपोर्ट हम आपको मई के अंत तक दिखाएंगे। अगर आप भी हमारे सर्वेक्षण से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9829203321 पर इन सारे सवालों का जवाब लिखकर जल्दी से भेजें। आप इन सवालों के जवाब के साथ अपने गांव या विधानसभा की कोई भी जानकारी हो या कोई भी समस्या हो उसके बारे में लिख करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप समस्या का वीडियो बनाकर भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो विधानसभा चुनाव 2023 की हर खबर और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं जल्द लेकर आऊँगी आपके समक्ष अगली विधानसभा और उसके गांव की पूरी जानकारी। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ ईएनएन भारत। नमस्कार।